हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। और आज जो हम रिएक्शन की वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक फ़नी वीडियो के रिएक्शन की वीडियो है। और जो है पहले हम वीडियो देखेंगे और साथ साथ मेरा रिएक्शन, उसके बाद आप सुनेंगे शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। वीडियो जो है ये बीबी की वाइंस की वीडियो है और वीडियो का नेम है लॉर्ड आई जीजा जी। तो आइए चलकर देखते हैं पहले वीडियो और फिर मेरा रिएक्शन। अरे कोई अता पता नहीं है जीजा जी का, बहुत टेंशन है यार। और तुम चिंता मत करो, उम्मीद है मिल जाएंगे जल्द से जल्द। ना चांस ही नहीं है। आपको पता चलेगा तो बताऊंगा गुल्लू। हाँ ओके, खुदा हाफिज़। मैंने अंकल के लिए ऑबिचुअरी लिखी है, पेपर में प्रिंट होगा तो ज्यादा लोग आएंगे। इन लविंग मेमोरी ऑफ माई फादर, कहाँ गए आप किसी को पता नहीं। यहाँ मम्मी की आंखें रो रो के फूट गई और आप कहाँ पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो। घर में रोशनी की लौ बुझ गई लेकिन आप वहाँ हवक की आग बुझा रहे हो। वो पके तो लौट आना पर किसी लेडी बॉय से मत मरवा। पापा जिंदा है और एकदम ठीक है। अगर पापा का आ जाते कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकॉक निकल लूंगा। मैं भी बस सोच रहा था तू और मैं चलेंगे बैंकॉक, एक एक गली छान मारेंगे और जीजा जी को लेके आएंगे। मैं भी चलूंगा बैंकॉक से, मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है फिर तीनों की टिकट बुक करा देता हूँ, मैं भी चलूंगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है, जो चारों जाके वहाँ टोमेटो फेस्टिवल में चिकनी लड़कियों के बदन पे टमाटर रगड़ेंगे। जीजा जी को ढूंढने जाना है, बहुत सीरियस मिशन है। मैं जरा अपनी वाली को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर फौरन निकाल देगी। आप कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे। बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झाक रहा था, वो मैंने प्रेम नहीं किया काफी दिन से। वो सब छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे को तो ऐसा गिफ्ट बाय। पैकिंग करते शुरू। हाँ बेटा ज्यादा सामान पैक मत करिए, छोटा सा बैग रख ले बस। और तू फटाफट कैब बुक कर दे। मेरी क्रिसमस बच्चों, मेरी क्रिसमस। तुमने इस साल हरामी बने में पीएचडी कर ली। आप तो साल में एक बार आते बेंच, लेकिन खबर सारी रहती है। तुमने इस साल अपने बाप से 500 बार झूठ बोला है और तुमने तो इस साल 800 बार मेकआउट किया है। अपने हाथ के साथ ऑन एन एवरेज दिन में 2 बार हिलाता है, इतना मेला है क्या? फटाफट मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे मेरी बुलेट में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, पिछली बार भी आईएसबीटी बस लेकर जाना पड़ा था। हर मम्मी को मैं चॉकलेटी बॉय पसंद है, तो मुझे भी चॉकलेटी बॉय बना दो। मैंने इस साल बहुत झूठ बोला है ना, अब मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकले। इनफैक्ट अब घर में सब लोग सच बोले। As you wish, see you बच्चों। वस्तुतः इस तरह लड़की ने शादी कड़ी मार दी। जय हो। बैंचू मैं थोड़ी किसने रखा? मत खा बैंचू, मैं हूँ। वो बुढ़े ने मुझे सच में चॉकलेटी बॉय बना दिया। और बेटा क्या किया इतने दिन? अरे बहुत रोया है, प्रिया को घर लाता था, सब लोग के सो जाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था। ये क्या बोल रहे? उसको थोड़ा ये बताओ, ये किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो पार्टी के बाद मिस्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था। कौन सा इंजेक्शन? बेहोशी का। तो पहले क्यों झूठ बोला? मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अचानक मुंह से क्या क्या निकल रहा है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। साथ देखी पीबी की वाइंस की वीडियो लौट आए जीजा जी, और हमें तो बहुत पसंद आई। और साथ साथ आपने मेरा रिएक्शन देखा, और जो है अब हम आपसे इसका रिव्यू देंगे, आपको इसका रिव्यू देंगे हम। और जो है ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, और जैसे कि इनकी वीडियोस होती हैं बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उसी तरह ये वीडियो भी इनकी यूनिक और डिफरेंट थी और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्म करी। इनकी वीडियो की क्वालिटी ये है कि ये जो है सारे करेक्टर खुद ही प्ले करते हैं, और यही इनकी वीडियो की सबसे ज़्यादा मेन खासियत है कि सारे करेक्टर खुद ही बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, और सारे करेक्टर अपनी मिसाल आप हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इनके करेक्टर होते हैं, बहुत फ़नी वे में, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग ये बता जाते हैं, कह जाते हैं इनकी वीडियोज़ में।
काफ़ी कुछ वीडियोस इनकी मैसेज वाली भी होती हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं, फ़नी तरीके से कुछ बना कुछ बताया होता है, जो रियलिस्टिक बातें होती हैं, रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। ये वीडियो भी इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी थी, और जो है इससे पहले एक वीडियो आई थी उसके आगे का पार्ट टू थी, और जो है हमने देखी और आपने मेरे साथ इसका रिएक्शन देखा, और जो है अब और इसके बाद आपने सुना मेरा शॉर्ट रिव्यू। हमें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई, अच्छी थी, और जो बहुत मेहनत से बनाते हैं ये वीडियो तभी इनकी वीडियो काफ़ी फेमस होती है, काफ़ी इनको पसंद किया जाता है, और ये वीडियो भी इनकी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, और हमारी अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, then do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching.